गांव के विकास के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को काम मिलना शुरू हुआ तो उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं अब आड़े आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर तहबरपुर ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव अपने ब्लॉक के अन्य ग्राम प्रधानों के साथ CDO कार्यालय पर पहुंचे और CDO की गैर मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि सरकार ग्राम पंचायतों का विकास कराना चाहती है, लेकिन समस्या यह है कि सरकारी इस्टीमेट और मार्केट रेट में काफी अंतर है। उन्होंने बताया कि मोरंग बालू का सरकारी रेट 100 फीट 5,600 रुपए है, जबकि मार्केट रेट 12,000 रुपए है। वहीं सफेद बालू 100 फुट 1,900 रुपया, जबकि मार्केट में 3,000 रुपया है, जिससे उनको गांव में विकास कराने में समस्या आ रही है। हम लोग आए थे, मटेरियल एवं लेबर मिस्त्री का रेट जो है कम है, और आए तो थे हम लोग CDO साहब से मिलने, संजोग से CDO साहब नहीं मिले, तो हम लोग ज्ञापन दिए DPRO साहब को। हमारा रेट है सरकारी रेट, मोरंग बालू है 100 फुट 5,600 रुपये मिलता है, मार्केट का रेट इस समय 12,000 रुपया। सफ़ेद बालू 100 फुट मिलता है 1,900 रुपये सरकारी रेट, सफ़ेद बालू इस समय मार्केट में 3,000 रुपये मिल रहा है। सीमेंट 326 रुपया प्रति बोरी है, सीमेंट मार्केट में 400 रुपया बोरी मिलती है। ईंट 11,600 रुपया प्रति टाली है, आज मार्केट का रेट 13,000 रुपया प्रति टाली है। सरिया है 4484 रुपया प्रति कुंटल, मार्केट में सरिया मिल रही है 6,000 रुपया प्रति कुंटल। गिट्टी मिलती है 100 फुट 6,700 रुपया, गिट्टी आज मार्केट रेट है 8,000 रुपया। लेबर का हमें मिलता है 204 रुपये और आज लेबर ले रहे हैं 350 रुपये, 350 से एक मिनट। मिस्त्री का मिलता है 370 रुपये, 600 रुपया मिस्त्री को देना पड़ता है, इससे नीचे कोई काम करने वाला नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि रेट बढ़े, नहीं तो हम लोग काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक रेट नहीं बढ़ेगा। रेट बढ़ जाएगा फिर हम लोग पंचायत भवन हो चाहे जो भी गांव का विकास कार्य हो शुरू कर। इस समय आप लोग कार्य नहीं करा रहे? नहीं, इस समय नहीं हम लोग करा रहे हैं, इस समय हम लोग कार्य नहीं। हम लोग सरकारी रेट, मार्केट रेट मिलने लगेगा, हम लोग गांव का विकास कार्य। वही DPRO का कहना है कि पूरे ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष ने उनको ज्ञापन सौंपा है जिसमें सरकारी रेट और मार्केट रेट से दुगने दाम का अंतर है। इसके लिए वे आयोजित होने वाली बैठक में इसे अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तहबरपुर विकास खंड के प्रधान संघ के अध्यक्ष और 15-20 प्रधान के साथ में आए थे, उन्होंने कहना है कि जो हम ग्राम पंचायतों द्वारा काम कराया जा रहा है उस कार्य में जो सामग्री का दर है, चाहे ईंट हो चाहे बालू हो चाहे सीमेंट हो, वह सरकारी दर से मार्केट दर में बड़ी भिन्नता है, दुगुना अंतर है। अगर 300 बोरी सीमेंट सरकारी है तो 600 550 मिल रहा है मार्केट रेट का, तो दोनों का SOP बना करके वो दे आए थे, ये सरकारी दर है ये है मार्केट दर है, काम करने में बड़ी बाधा आ रही है, काम का दबाव हो रहा है, इसको संशोधित किया जाए, दरों को बढ़ाया जाए जिससे कि ग्राम पंचायतें आसानी से काम कर सकें। उनको आश्वासन दिया गया है कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठकों में मांगा गया है खंड विकास अधिकारियों की तरफ से भी मार्केट रेट उसके रिवाइज करने के लिए तत्काल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो मार्केट रेट है उसके नज़दीक हमारा सरकारी रेट हो जिससे कि किसी प्रकार से काम कराने में कोई बाधा न आने पाए।